हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल मंत्रा। आज एक हम प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारा प्रॉब्लम दिया है 0 टू इन्फिनिटी कॉस ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, वेयर ए इज ग्रेटर देन इक्वल 0। इसको हमें इवेल्युएट करना है यूजिंग कंटूर इंटीग्रेशन के द्वारा। अगर आपने कंटूर इंटीग्रेशन क्या होता है वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लें। अब मैं बात करता हूं स्टेप की। जैसा कि मैंने पहले बताया था, कंसीडर हमें क्या करना है, पहले इंटीग्रल हमें कंसीडर करना है सी एफ जेड इंटू डी जेड। इसके बाद हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था थ्योरम जॉर्डन लेमा। तो जॉर्डन लेमा के द्वारा जो एफ जेड हमारा क्या हो जाएगा, ई की पावर आई ए जेड। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा जरूर देख लें दोस्तों, जिसके मैंने एक एक स्टेप को डिटेल से डिस्कस किया है। ऐसा हम लिख सकते हैं, टेकन अराउंड क्लोज कंटूर सी आर विद रेडियस आर एंड एग्जिट रियल एक्सिस माइनस आर टू आर अपर ऑफ द प्लेन एंड जेड इक्वल टू मोड जेड इक्वल टू आर। ओके, ऐसा हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमें क्या करना है, इसको पोल फाइंड करना है। फॉर पोल हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को जीरो के बराबर इक्वल पुट करते हैं। जेड स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, जेड स्क्वायर है, जेड स्क्वायर इसको माइनस 1 के बराबर होगा आई। अगर जेड की वैल्यू हमने क्या देखें, क्या आएगी, प्लस माइनस आयोटा। हमें यहां वैल्यू क्या मिली, जेड इक्वल टू 1 मिला हमें प्लस आई और 1 मिला माइनस आई। तो हमारी जो माइनस आई की वैल्यू है वो एग्जिट करेगी आउट ऑफ द कंटूर के, लेकिन हमारा जो जेड इक्वल टू प्लस आई है वो इनसाइड हमारा एग्जिट करेगा इस कंटूर के। तो हमें क्या करना है, जो हमारा लाइस कर रहा है इनसाइड जेड इक्वल टू प्लस आई, ये हमारा पोल एग्जिट करेगा। तो हम लिख सकते हैं ओनली पोल लाइस इनसाइड सी, तो हम एग्जिट करेंगे ये वाले पोल के लिए। अब इस पोल के फाइंड करने के बाद हमें क्या करना है, रेसिड्यू फाइंड करना है। रेसिड्यू फाइंड करने के लिए सिंपल पोल है, रेसिड्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट ए के बराबर हो जाएगी और ये हो गया जेड माइनस ए इंटू एफ जेड, लिमिट आई और ये क्या हो जाएगा, जेड माइनस ए सॉरी आई और एफ जेड। एफ जेड हमारा कितना, ये निकला, तो इसको पुट करते हैं ई की पावर माइनस ए जेड अपॉन जेड है, जेड के स्क्वायर के बराबर है, यहां प्लस 1 है, आई हो जाएगा, तो जेड माइनस आई एंड जेड प्लस आई, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये हो गया लिमिट जेड टेंस टू आई एंड ई की पावर ए जेड जेड प्लस आई। हम क्या करते हैं, यहां यूजिंग लिमिट जब लिमिट को यूज करेंगे तो जहां जहां जेड है वहां रखें आई रखेंगे। तो हमने क्या किया, ई या आई ए इंटू आई और ये क्या हो जाएगा, आई आई टू आई, आई स्क्वायर हो गया, माइनस 1 होती है वैल्यू इसकी, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, माइनस 1। तो इस तरह के यहां कितना आ जाएगा, e की पावर माइनस ए अपॉन 2 आयोटा। सेकंड स्टेप हम क्या करते हैं, बाई कॉची रेसिड्यू थ्योरम। तो हम लिख सकते हैं बाई कॉची रेसिड्यूस थ्योरम। कॉची रेसिड्यू थ्योरम हमारा क्या होती है, जो रियल एक्सिस का हमारा इंटीग्रल है माइनस आर टू आर ई की पावर माइनस ए एक्स, हम यहाँ एक्स क्यू लेते हैं, ये भी मैंने डिस्कस किया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स प्लस ये अलोंग द सी आर ई की पावर आई ए एक्स अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 डी जेड इक्वल टू हमारा कितना होगा, 2 पाई आई होता है, 2 पाई आई कंटूर इंटीग्रेशन जो हमारा रेसिड्यू फाइंड हुआ है, तो कितना ही फाइंड हुआ है, e की पावर माइनस ए अपॉन 2i, 2i एंड 2i कैंसिल हो जाएगा, कितना रहेगा, पाई e की पावर माइनस ए। अकॉर्डिंग टू जॉर्डन लेमा क्या कहता है, 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 टेंस टू 0 बिकॉज मॉड जेड इक्वल टू इन्फिनिटिव। जब ये इन्फिनिटिव होगा ये, तो 1 अपॉन इन्फिनिटिव क्या होगा, 0 होगा, इन्फिनिटिव है, तो ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं सिंस लिमिट आर टेंस टू इन्फिनिटिव सी आर ई की पावर ई ए
जेड जेड स्क्वायर प्लस वन डी जेड इक्वल टू जीरो, सॉरी ये टर्म हमारा जेड है, ये क्या है जेड है, ओके ये हमारा क्या होगा जीरो के बराबर हो जाएगा। जब ये जीरो के बराबर हो जाएगा ये जीरो हो गया हमारा टर्म, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ये टर्म हमें मिल गया। अब हम क्या करते हैं इस रियल पार्ट को अगर इक्वेट करें तो हमारा क्या निकल गया था, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी e की पावर माइनस ए एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये हो जाएगा डी एक्स इक्वल पाई ई ई ए। इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि जो हमने जेड पुट किया था उस वैल्यू को फिर से हम इक्वेट करें तो क्या ये कॉस ए एक्स के बराबर होगा, कॉस ए एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स इक्वल टू पाई ई की पावर माइनस ए। हमें वैल्यू क्या चाहिए, ये हमारा क्या है इवन टर्म के लिए, इवन टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन का, अगर इसको लिमिट चेंज करें तो क्या लिख सकते हैं जीरो टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा कॉस ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स इक्वल टू पाई ई की पावर माइनस ए। टू को मैंने इस साइड किया तो जीरो टू इन्फिनिटी कॉस ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स इक्वल टू पाई बाई टू ई की पावर माइनस ए, ये हमारा क्या हो गया आंसर। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, लाइक करें सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।